हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रॉकिंग स्टार यश की आने वाली मच अवेटेड फिल्म KGF चैप्टर 2, जिसको लेकर के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। इस फिल्म को लेकर के कोई भी खास खबर सामने आती है सोशल मीडिया पर या कोई भी पोस्टर लुक रिवील किया जाता है रॉकिंग स्टार यश को लेकर के फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर के, तो सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक साउथ तक काफी चर्चाओं में वो चीज बन जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं फिल्म के टीजर से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। साथ ही साथ एक फिल्म का नया पोस्टर लुक रिवील किया गया है रॉकिंग स्टार यश का, और एक बार फिर से इस बात का रिवील किया गया कि फिल्म का पहला ऑफिशियल टीजर कब लॉन्च किया जाएगा। जबकि इससे पहले हम लोगों ने कई बार बात किया है फिल्म के टीजर के बारे में कि फिल्म का टीजर किस दिन किस डेट को लॉन्च होने वाला है। जैसा कि फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट की भूमिका में रॉकिंग स्टार यश नजर आएंगे। इनके अलावा संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी जैसे मशहूर कलाकार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। फाइनली KGF चैप्टर 2 एक्शन जनर की मूवी होने वाली है। सो बात करें रॉकिंग स्टार यश के नए ऑफिशियल लुक के बारे में, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नए ऑफिशियल लुक में रॉकिंग स्टार यश का एक क्या दमदार लुक हमें देखने को मिलता है। फाइनली लोहे की रॉड लिए हुए काफी स्टाइलिश अंदाज में नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस बात का भी रिवील किया गया कि फिल्म का पहला ऑफिशियल टीजर 8 जनवरी 2021 को रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, ये प्रशांत नील की तरफ से, जो कि KGF मूवी के डायरेक्टर हैं, जिनकी तरफ से ये ऑफिशियली रिवील किया गया है कि फिल्म का टीजर 8 जनवरी 2021 को रिलीज किया जाएगा। हालांकि इस फिल्म को साल 2020 में रिलीज करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन COVID-19 की वजह से फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका। अब ऐसे में इस फिल्म को साल 2021 में रिलीज किया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, फिल्म के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, फिल्म के नए ऑफिशियल लुक के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक इसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।